नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ स्वाति। दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके के खेरा गांव मोड़ पर बारिश के चलते अचानक सड़क धस गई, जहां इस घटना में एक गाड़ी और एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि आसपास की दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे में घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत कार्य शुरू कर दिया। वहीं दिल्ली मेट्रो विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग इस रोड की मरम्मत के लिए जुट गई है। हालांकि इस घटना के बाद से यहां का यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली के द्वारका नजफगढ़ इलाके में दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के चलते अचानक मेन रोड धस गया, जिसमें एक ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि आसपास की दुकान और मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसा नजफगढ़ के खेरा गांव मोड़ के पास हुआ, जहां पर पिछले कई सालों में सड़क के नीचे मेट्रो का काम चल रहा है और मेट्रो का टर्नल बनाया जा रहा है, जहां इसी टर्नल के बगल के हिस्से की मिट्टी दबने से मेन रोड पूरी तरह से बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के बने दुकान और मकानों के नीचे जमीन भी दब गई है, जिसमें कुछ दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। वहीं इस हादसे के वक्त रोड पर जा रहा एक ट्रक इस गड्ढे में समा गया। गनीमत यह रही कि समय रहते ही ट्रक में सवार ड्राइवर और लेबर ट्रक से बाहर निकल गए थे। हालांकि इस हादसे का कारण दो दिनों से हो रही रिमझिम बारिश और रोड किनारे से जा रहे नाले को बताया जा रहा है, जहां बारिश और नाले के ओवरफ्लो के चलते पानी मेट्रो टनल रोड के बीच के हिस्से में भर गया और अचानक मिट्टी खिसक गई, जहां ये पूरा रोड बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। सर, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें क्या है ये मामला? हादसा सारी इसमें लापरवाही है मेट्रो वालों की। इनको देखना चाहिए था, जब रिसाव हो रहा था उसी टाइम उसमें कार्रवाई नहीं की इन्होंने। इनको बताया गया था जमीन धसने के कारण पूरे मकानों में तरेड़ आ गई, बीम वगैरह सब टूट गए, नीचे धस गए हैं, एक ट्रक भी अंदर चला गया है। इसमें बहुत ज़्यादा हादसा हो रहा है, इनकी लापरवाही के कारण हो रहा है सारा ये। तो इनको कोई मुआवजा वगैरह मिलेगा? देखते हैं, कर रहे हैं कोशिश, अभी लगे हुए हैं सभी यही बैठे हुए हैं। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए इसमें, किस बात को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और इसमें हम पूरी कोशिश करके सबको मुआवजा दिलाने की कोशिश कर लगे हुए हैं। कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जान माल का नुकसान है, जान सभी की बच गई, जितने भी थे ट्रक ड्राइवर भी बच गया और वो सब भी सेफ है वहाँ पे। कितने लोग थे ट्रक में? ट्रक में दो लोग थे। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, दोनों ठीक है। ये पहले से भी काम हो रहा था कि कभी उस साइड की दीवार गिर जाती थी, कभी उस साइड की। इनको कल सुबह से इनको बोला गया कि पानी लीकेज है, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इनका DMRC का कोई साइड इंचार्ज भी आया और इनके जो पार्स कंपनी के जो मालिक वगैरह जो थे उनसे भी बोला गया, लेकिन इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और ये लास्ट होते होते आपके सामने जो मंजर है वो देख लो। मोटा मोटी मेरा जो बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग का नुकसान हुआ, कम से कम 10 से 15 लाख रुपये का मेरा जो माल था उस माल का नुकसान हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पूरी भरपाई की जाए, DMRC और ये कंपनी करे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी तो यही है। अगर हम क्या नाम है, अब ये दीवार, ये दुकान टूट गई, 10 दिन ही चलेगी, 20 दिन ही चलेगी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे माँ बाप कैसे पढ़ेंगे? हाँ जी, भैया लगा लो, मेरी फैमिली में 10 आदमी है जी, 10 आदमी की रोजी रोटी तो चली गई जी, दोबारा से बनानी पड़ेगी साल दो। हाँ, 2 साल जितना भी टाइम लगे। मैं तो सर ये चाहता हूँ कि मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरे को कैसे भी करके मेरी जो रोजी रोटी है मेरे को, तो कहता हूँ उसको वापस कर दो। ये रोटी वापस नहीं कर सकते मेरे को कुछ, दो हर महीने जिसको मैं अपना घर का वो परिवार का अपना वो व्यापन कर सकूँ। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, मेट्रो विभाग और PWD विभाग की टीमें कार्य कर रही हैं। वहीं इस हादसे के बाद से ही रोड को बंद कर दिया गया है, जिससे इलाके का यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।